इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना रखी गई है। यह थीम कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों, इनोवेटर आदि के रूप में दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के योगदान को रेखांकित करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत वर्ष 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुए एक महिला मजदूर आंदोलन से हुई थी, जब करीब 15,000 महिलाएं अपने अधिकारों की मांग के लिए सड़कों पर उतरी थी। ये महिलाएं काम करने के समय को कम करवाने, अच्छी तनख्वाह और वोटिंग के अधिकार की मांग ने प्रदर्शन कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों में समानता बनाने के लिए जागरूकता लाना है, साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आज भी कई देशों में महिलाओं को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है। महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि में पिछड़ी हुई हैं, साथ ही महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले भी सामने आते रहते हैं। यही नहीं, नौकरी में जहां महिलाओं को पदोन्नति में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो वहीं स्वरोजगार के क्षेत्र में भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे विश्व में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन बन गया है जिसमें हम समाज में, राजनीति में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की तरक्की का जश्न मनाते हैं। भारत में इस दिन महिलाओं पर आधारित अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लोग महिलाओं को शुभकामनाएं, संदेश और कई तरह के तोहफे देते हैं। साथ ही नारी शक्ति पुरस्कार भी इस अवसर पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में किए गए असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है।